और सोशल मीडिया एक ऐसा हुआ कि मैं भी अपना स्वतंत्र एक चैनल बना लेता हूँ, हर व्यक्ति एक अपना स्वतंत्र चैनल बना लेता है, और मुझे लगता है कि इसमें एकरूपता की भी कमी है। इस पूरे बहुजन विचारधारा को जनमानस की विचारधारा में बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया जो बहुजन समाज का के लिए काम करने वाले मीडिया बंधु हैं, इनको कहीं ना कहीं एक सूत्र में आना चाहिए। पूरे आज के दौर में जो चैनल्स का दौर जो चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमको व्यक्तिगत रूप से भी उसको जांचना और परखना बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी बहुजन समाज का जो संसाधन है वो शत्रुओं के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। दर्शकों, आमतौर पर बहुत सारे बहुजनों को ये शिकायत होती है कि जो मीडिया है वो बहुजनों का मीडिया नहीं है। इस बीच में कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए या सोशल जो मीडिया है उस पर अपने बहुत सारे चैनल्स लोगों ने शुरू किए, यूट्यूब चैनल्स शुरू किए, और इस तरह से एक बहुजन मीडिया बनाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में एक बात ये हुई कि बहुत सारे चैनल्स आ गए, तो बहुत सारे चैनल्स में आपस में ही कॉम्पिटिशन भी होने लगा। एक बहुत पहले एक चैनल हुआ करता था जो सेटेलाइट टीवी चैनल था, लॉर्ड बुद्धा टीवी, लेकिन हुआ ये कि कालांतर में जाकर जब पैसों की ज़रूरत हुई, और बिना पैसों के तो आप जानते हैं कि कोई भी काम होता नहीं है, और ऐसे में जब पैसों की ज़रूरत हुई तब वो भी किसी के हाथों बिक गया, उसके संचालकों ने किसी के हाथों उसे बेच दिया। और ऐसी स्थिति में हुआ ये कि जो बहुजन मीडिया, जिसको लोगों ने बहुत सारा चंदा देकर, बहुत सारे पैसे देकर सहायता करके खड़ा किया था, वो भी किसी दूसरे के हाथों में चला गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो अब ढेर सारे जो YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, इनका क्या होगा? क्योंकि बिना पैसों के, बिना आर्थिक सहायता के, या फिर किसी टीम को भी अगर काम करना हो तो बिना पैसों के ये संभव नहीं हो पाता कि कोई स्टोरी हो पाए, कहीं पर कवरेज हो पाए, तो कोई ना कोई इन्हें आर्थिक सहायता तो करता ही है। और ऐसे में होता यह है कि जो आर्थिक सहायता करता है, जैसा मान्यवर कहा करते थे कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, तो जो सहारा देता है, जो पैसे देता है, जो लोग इन्हें आर्थिक मदद करते हैं इन चैनल्स को, वो अपने हिसाब से उनसे काम करवाना चाहते हैं। ये स्थितियाँ बन रही हैं, और इस चक्कर में हो ही रहा है कि जो बहुजन मोमेंट है, जो एक आर्बिट्राइट मोमेंट जिस क्षेत्र में जाना चाहिए था, जहाँ जाना चाहिए था, वहाँ वो नहीं पहुँच रहा है, वहाँ वो जा नहीं रहा है। इसमें हम आप सबकी भी राय चाहेंगे कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कि क्या एक ऐसा मीडिया या एक तमाम सारे चैनल्स को जोड़कर क्या कोई ऐसा एक सिंडिकेट जैसी कोई बात बनाई जा सकती है? क्या कोई इसका एक तरह से जुड़ाव करके, इन सभी चैनल्स को एक सूत्र में पिरो करके क्या कुछ ऐसी बात हो सकती है जिस तरह से आरएसएस ने भी अभी गोदी मीडिया को खड़ा कर लिया अपनी बात कहने के लिए? वो अगर एक हेडलाइन कहता है, एक हेडलाइन चुनता है, तो उसकी बात सारे चैनल्स अलग अलग तरीके से कहें ज़रूर, लेकिन बात वो एक ही होती है। तो क्या हम इस तरह से बहुजनों की बात एक सुर में सारे चैनल्स वाले कर सकते हैं? इस पर हम आज आपसे भी, और हमारे साथ हमारे एक मित्र डॉक्टर आनंद खोबरागड़े हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप प्राचार्य हैं, बालाघाट में एक कॉलेज में प्राचार्य हैं, और लंबे समय से जो है बहुजन मूवमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो मीडिया है वो सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि बिना पैसों के तो संभव नहीं होता कुछ भी, हर जगह पे पैसे का काम जो है वो पैसा ही करता है, तो ऐसी स्थिति में मीडिया का क्या होगा? हम प्राचीन समय से लेकर के यदि वर्तमान दौर तक यदि देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जनमत तैयार करने के लिए पत्रकारिता अहम भूमिका निभाता है जी। हम बुद्ध के दौर की यदि बात करें तो बुद्ध की जो विचारधारा है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की, तो वो लोगों तक विचारधारा पहुंच पाए तो उन्होंने एक संघ का निर्माण किया, और जो संघ था वो एक प्रकार से जनमानस तैयार करने का माध्यम था।
और उन्होंने बखूबी बहुत बेहतर तरीके से समाज के ही संसाधनों से, समाज के ही संसाधनों से समाज तक बुद्ध की विचारधारा जन जन तक उन्होंने पहुँचाए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो संघ जितना पवित्र था, पवित्रता के आधार पर समाज ने उनको स्वीकार किया, और सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु भाईचारा का जो संदेश था वो पूरी दुनिया में गया जी। फिर ये जो पत्रकारिता का दौर है ये बदलता गया, विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर पत्रकारिताओं ने धीरे 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 धीरे, यदि हम बात करते हैं संत और महापुरुषों की, संतों की यदि बात करते हैं तो संतों ने भी समाज में भाईचारा बनाने की जो विचारधारा थी, जिसे हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कहते हैं, उन्होंने भी अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से वो जो विचारधारा जो जनमानस बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो उनमें भी बड़ी पवित्रता थी और पवित्रता को समाज ने स्वीकार किया, और समाज के ही सहयोग से, जन सहयोग से ही वो एक बड़ा आंदोलन तब्दील हुआ। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यदि बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में जनमानस तैयार करने का एक पत्रकारिता ही माध्यम था, और बाबा साहब ने मुकनायक से लेकर के प्रबुद्ध भारत होते हुए पत्रकारिताओं के माध्यम से उन्होंने ये जो विचारधारा है जिसे हम बहुजन समाज की विचारधारा कहते हैं, इसको जनमानस तैयार करने के लिए पत्रकारिता उनका एक माध्यम था। लेकिन उसके बाद में हम मान्यवर तक आते हैं तो मान्यवर ने भी उसी आंदोलन को, जो आंदोलन बुद्ध से लेकर के बाबा साहेब होते तक मान्यवर तक आता है, उन्होंने भी जन सहयोग के ही माध्यम से और पवित्रतापूर्वक ये जनमानस तैयार करने का उन्होंने काम किया। और सही बात है ये कि जन सहयोग से ही इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाया। हम बात यदि वर्तमान दौर की यदि करते हैं तो वर्तमान दौर में पत्रकारिता मुझे लगता है पीछे छूट गई है, क्योंकि ये दौर जो है ये सोशल मीडिया ने पकड़ लिया है। और सोशल मीडिया एक ऐसा हुआ कि मैं भी अपना स्वतंत्र एक चैनल बना लेता हूँ, हर व्यक्ति एक अपना स्वतंत्र चैनल बना लेता है, और मुझे लगता है कि इसमें एकरूपता की भी कमी है। इस पूरे बहुजन विचारधारा को जनमानस की विचारधारा में बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, जो बहुजन समाज का के लिए काम करने वाले मीडिया बंधु है, इनको कहीं ना कहीं एक सूत्र में आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से वो तमाम लोगों से, दिल्ली से लेकर के भोपाल, इंदौर और बालाघाट और महाराष्ट्र, पूरे देश के जो बहुजन समाज में काम करने वाले मीडिया बंधु लोग हैं, मैं उनसे एक अपील करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि इस दौर में आप अपनी वॉइस को एक बनाइए, शोषण के खिलाफ आप आइए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चैनल्स जो शोषण के खिलाफ बोलते हैं उसके बावजूद भी आपके जो निष्कर्ष हैं वो एक जैसे निकलने चाहिए, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया भी एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। दिल्ली से लेकर के भोपाल, भोपाल से लेकर बालाघाट तक यदि एक सिरे में ये बहुजन समाज एक सूत्र में यदि आने लगे तो घटनाएं तो अनेक घटती है हमारे देश में, अनेक घटती है, लेकिन निष्कर्ष रूप से एक निकलना चाहिए, एक सूत्र में निकलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पवित्रता के आधार पर ये जो समाज है वो इस मीडिया को सहयोग करेगा, और ये पवित्र आंदोलन को आप पवित्रता के माध्यम से यदि आगे बढ़ाते हैं समाज हित के लिए, तो मुझे लगता है कि सही में समाज ऐसे चैनल को जरूर सहयोग करेगा। और जो हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है वर्तमान दौर में, वो कामयाबी का ये सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। आनंद जी, एक बात है कि समाज सहयोग करेगा ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि समाज सहयोग कर रहा है और लगातार कर रहा है, और एक तरह से ये कहें कि हमेशा से करता रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर ये हो जाता है कि उस सहयोग का, उस समाज के उस आर्थिक सहायता का आखिर उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर ये भी है कि हर चैनल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो व्यक्तिगत चैनल हो, चाहे वो किसी संस्था द्वारा बनाया गया चैनल हो या कोई भी हो,
ये चैनल बिना पैसों की व्यवस्था के, बिना किसी इसके आर्थिक सहायता के वो सर्वाइव तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे काम करने वालों इन लोगों का पेट जुड़ा हुआ होता है, उसके परिवार होता है, तमाम सारी चीज़ें हैं जो व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। लेकिन मामला ये है कि जो चैनल्स आज सहायता ले रहे हैं समाज से, क्या वो समाज को उस तरह का आउटपुट दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चैनल्स के नाम पर, या यूँ कहे कि दलित के नाम पर जो है, या पीड़ित के नाम पर लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी दुकानदारी सजा कर बैठे हुए हैं और पैसा कहीं वहीं तो नहीं जा रहा जिसके खिलाफ़ हम लड़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक पत्रकार के खिलाफ दिल्ली में जो है एक ऐसी बात उठी है कि भाई ब्राह्मण के साथ उनका जो कोलाब्रेशन है उसकी वजह से जो है बड़ी बदनामी हुई है और बहुत सारी बातें उसमें सामने आई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन सवर्णों से, जिन ब्राह्मणों से हम पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, या फिर जिनकी वजह से ये पूरा मोमेंट खराब हुआ, क्या इस मोमेंट में घुसकर वो अपना फ़ायदा फिर से तो नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने मकसद को यहाँ घुसकर वो पूरा तो नहीं कर रहे हैं? या ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनको आर्थिक सहायता देकर वो उनको इशारे से इस मोमेंट को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी चैनल है वो बिना पैसों के तो चलता नहीं है। तो पैसा कौन कहाँ से ले रहा है और किसके लिए काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इसकी समीक्षा की ज़रूरत है? संगठित रूप से जब कोई संगठन किसी मीडिया के माध्यम से, और हर संगठन का अपना एक मीडिया है आज के वर्तमान दौर में, और वो अपने संगठन के लिए ही ज़्यादातर काम करता है, इसमें कहीं ना कहीं विचारधारा को भी लेके चलता है वो, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अपने संगठन को बढ़ाना ही होता है जी। लेकिन इस दौर में हमने ये भी देखे हैं कि जिसका भी संगठन इस मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं हमारे विरोधी विचारधारा के लोग उनको हाईजेक भी करते हैं, इसमें ये साबित भी हो चुका है। और इसके साथों साथ एक और बात, हमारे अपने जो फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पर जो काम करते हैं इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं ये समाज बहुत भावुक भी है और उनकी पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, और वो सिर्फ जय भीम के नाम पर कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ धोखा भी मिलता है, हमको धोखा भी हो रहा है, भावनाओं का दोहन भी किया जा रहा है। जबकि हम वास्तविक जब उनके करीब में देखते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बुद्ध के शीलों के उनका आचरण है जी। या बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर उनका आचरण चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जिन्होंने बहुजन समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया उनकी विचारधारा पर वो काम करते। तो ये हमको ही समझने की भी आवश्यकता है कि इस पूरे आज के दौर में जो चैनल्स का दो चौर दौर जो चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमको व्यक्तिगत रूप से भी उसको जांचना और परखना बहुत बहुत ज़रूरी है जी। तब जाके हमारा जो संसाधन है, यानी बहुजन समाज का जो संसाधन है, वो शत्रुओं के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, वो हमारे बहुजन समाज के ही पक्ष में लगना चाहिए। तब जा कर के हमारी जो बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो तब सफल हो सकती है। यदि हमारे बहुजन समाज के संसाधन हमें ही समाप्त करने के लिए लगेंगे तो फिर हमारे शत्रुओं की आवश्यकता ही क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वाकई सोचने की बात यही है कि देखिए पैसों की आवश्यकता सबको है, ये हम सब जानते हैं, बिना उसके संभव नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि और ऐसे लोगों को भी ढूंढ कर, या फिर उसको पूरी तरह से उसका एक तरह से ये कह रहे परीक्षण करने की ज़रूरत है कि कहीं वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, या फिर इमोशनली जो है आपकी सिंपैथी लेने के बाद वो आपका दोहन शोषण तो नहीं कर रहा है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से जगह बनाई है और उस जगह बनाने के बाद जो है वो दोहन शोषण शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति, आपने कहा कि वाकई जो है वो इसको एक बार देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और परीक्षण की भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अंत में मोमेंट में जो शक पैदा होने की जो बात है कि अगर हम सब पे शक करने लगे, उसका परीक्षण करने लगे, या उसको देख ले कि कहीं ये शोषण करने तो नहीं आया, या हमारे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करेगा, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि शक का दायरा बढ़ने लगेगा और जो वाकई नीडी होंगे, जो वाकई ज़रूरतमंद होंगे,
ऐसे में जो लोग नाटक करके, जो लोग इस तरह की कहानियां बना के, अपने दोहन शोषण की कहानियां बना के जिस तरह से पैसे ऐंठ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि ये दौर उस तरफ ले जाएगा कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और वाकई जिस जो परेशानी में होगा तो लोग उसको भी सहायता समय पर नहीं करेंगे? देखिए कि मैं जब अपने महापुरुषों की तरफ देखता हूँ तो हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग का समाज अनुसरण करता है जी। तो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय में जो हमारे चैनल्स हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करने वाले जो लोग हैं, ये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे समाज को सही शिक्षा दे और किसका अनुसरण हमको करना चाहिए ऐसा समाज में वो संदेश दे। आज हम देखते हैं कि हमारे महापुरुषों की जयंतियों का जो दौर रहता है ये सालों साल चलता रहता है और ऐसे माध्यम से आप और हम सब मिलकर के समाज को का नेतृत्व करते हैं, समाज को सही संदेश देते हैं। तो मैं हमारे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि समय समय पर हमारे ऐसे चैनल्स को आप स्वयं के भी माध्यम से और समाज के भी माध्यम से वो चैनल्स को भी प्रमोट करें, आप उनको प्रमोशन दें आप, ताकि समाज ऐसे चैनल्स को स्वीकार करे, उसको उसकी स्वीकृति दे और उसको कहीं ना कहीं उसके प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान दे। और जो हमारे अपने ही बीच में जो हमारे लिए भीतरघात का काम कर रहे हैं उनसे हमको सावधान रखे, ये समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी है जी। और इसके साथ इतने से ही बात नहीं बनेगी, हमारे बीच में ऐसे अब बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से सबल हो चुके हैं और हमारे महापुरुष ने हमको बताया है कि आपको टाइम टैलेंट ट्रेजर तो देना ही पड़ेगा। और आज के दौर में ट्रेजर सिर्फ जो ओकल मीडिया में काम करते वर्कर्स जिनको हम कहते हैं उनके साथों साथ हमारे जो चैनल्स हैं जो सोशल मीडिया पर हमारे बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हमको आर्थिक रूप से उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा इससे भी बढ़ करके यदि हम इसको ऑर्गेनाइज करें, रजिस्टर्ड करें और ऑर्गेनाइज करके जो हमारे कुछ बहुत अच्छे भी लोग हैं इस सोशल मीडिया में पत्रकारिता के दौर में, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विद्वान भी लोग हैं, ऐसे लोगों को हमको पेमेंट दे करके भी हमको काम करना चाहिए इस बहुजन समाज की विचारधारा को बढ़ाने के लिए। और साथों साथ में हमारे वो बहुत सारे एंगर्स हैं जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, उनको भी प्लेटफार्म तभी दिया जा सकता है जब हम उनको दिल्ली के प्लेटफार्म से जोड़े, भोपाल के प्लेटफार्म से जोड़े, इंदौर के प्लेटफार्म से जोड़े, तब जा करके हमारा जो एक ग्रुप तैयार होगा बड़े लेवल पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको फिर जो है वो फंड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा ऑर्गेनाइज संगठित रूप से जब हमारा सोशल मीडिया जब काम करने लगेगा तो मुझे यकीन है कि हमारे जो बड़े आर्थिक रूप से सबल लोग हैं जिनको बाबा साहेब के आरक्षण की बदौलत या उनकी प्रेरणा से जो हम आर्थिक रूप से सबल हुए हैं, आज उन्हीं की प्रेरणा से पूरे देश में जो बहुजन विचारधारा पर काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के ही आर्थिक सहयोग से वो काम कर पा रहे हैं जी। तो हमारा जो चैनल है इस देश में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके, रजिस्टर्ड करके, ऑर्गेनाइज करके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी ये जो आर्थिक समस्या है उसे हम निजात पा सकते हैं। निश्चित रूप से एक फंड ऐसा बनाया जाना चाहिए, एक फर्म ऐसी हो जो तमाम चैनल्स को फंडिंग करे और इन इस फंड के माध्यम से वो चैनल चले और विचारधारा का परीक्षण भी वो करे, वो जो समिति होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उस विचारधारा को लेके उनके जो सामग्री है, जो चैनल पर जो सामग्रियाँ जा रही है, जो भी चीज़ें वो डाल रहे हैं उसका भी परीक्षण करें, निरीक्षण करें और एक तरह से ये देखें कि क्या ये वाकई समाज के लिए काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी के हाथों बिका हुआ है। तो ये जो बिकने की जो स्थितियाँ हैं ये बनी रहती हैं, पर जो संभावनाएँ हैं बनी रहती हैं और ये सारा कुछ मसला पैसों का ही होता है। तो एक संगठन ऐसा बना के ये संभव है, ये किया जा सकता है। मैं हमारे समाज के उन तमाम लोगों से अपील करूँगा जो बड़े चेहरे बन चुके हैं,
दिल्ली में मैं उन लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन हमारे बड़े बड़े चेहरे बन चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि प्रयास आप करें तो निस्संदेह रूप से, फिर से मैं एक बात और कहता हूँ कि बुद्ध स्वयं बुद्ध हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को अकेले दम पर जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उन्होंने संगठन का निर्माण किया, संघ का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया के विद्वान हुए, उन्होंने भी अपनी विद्वता को जन जन तक पहुंचाने के लिए समय समय पर अनेक संगठनों का निर्माण किया। मान्यवर साहब ने भी वो पूरे बहुजन महापुरुष की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय समय पे उन्होंने भी अनेक संगठनों का निर्माण किए, तब जा कर के बहुजन विचारधारा इस बड़े पैमाने पर सक्सेस हुई। आज मैं इसी सोशल मीडिया के तरफ से मैं आपका सभी लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। दिल्ली में हमारे भाई है, भोपाल में है, कुछ लखनऊ में, पूरे देश में तमाम जगह है, आप इनको पूरे बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं के साथ बहुजन समाज पर जो संगठित रूप से, गैर संगठित रूप से जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इनको सब सामूहिक रूप से, संगठित रूप से यदि आप दिखाते हैं समाज को, तो निस्संदेह रूप से हमारी जो बात है, आप जो बात समाज तक लाना चाहते हैं, तो उसमें हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और हमारे भाइयों की जो बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, उनके सामने जो चुनौती आ रही, जो चैलेंज आ रहे, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे संसाधन रूप से, अनेक प्रकार की, चाहे शैक्षणिक रूप से ही क्यों न हो, वो जो तमाम समस्या है, जब हम इसको संगठित कर पाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एकेडमिक स्तर पर और तमाम इंस्टीट्यूशन स्तर पर, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो, चाहे हमारे बहुजन महापुरुष की विचारधारा हो, या फिर बहुजन समाज पर होने वाले अत्याचार हो, उसको हम संगठित रूप से एक सिरे में ला करके हम पूरे लगभग आज हमारा जो पॉपुलेशन है नंबर एक पर है, मैं तो कहता हूँ 100 करोड़ पॉपुलेशन को जो है आप सही संदेश दे सकते हैं, और एक एक रुपए भी यदि एक एक दिन का हमको सहयोग मिले तो मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए क्रांति का नया आगाज हो सकता है। तो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के जो साथी है, वो चाहे किसी भी संगठन में काम करते हैं, मैं उनसे अपील और निवेदन भी करता हूँ कि इसको एक संगठन और एक सूत्र में बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। एक बात और जोड़ना भी चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि चैनल्स काम करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अवेयर होते रहें, लोग जो है जागरूक होते रहें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सही सूचनाएं और एक तरह से फिल्टर्ड सूचनाएं कह सकते हैं हम, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए निरीक्षण और समय समय पर परीक्षण, ये सब कुछ ज़रूरी है। वहीं पर आर्थिक जो सहायता है वो तो आप कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सहायता करते ही रहते हैं, लगातार कर रहे हैं। इसके बावजूद अब इसको एक सांगठनिक रूप देने की, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको रूप देने की ज़रूरत है, ताकि सही तरीके से सारी चीज़ें हो सके। और जो हमारा सपना है अपनी सरकार स्थापित करने का, अपने जो है हितों की रक्षा करने का, अपने संविधान को बचाने का, ये जो एक हमारा जो एक टारगेट है, वो उस टारगेट तक हम सही तरीके से पहुंच सके। और ये तभी संभव होगा जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, सारी चीज़ें एक सूत्र पर चले, सारी चीज़ें तरीके से काम करें, तभी ये संभव होगा। क्योंकि अलग अलग बिखर कर जिस तरह से पार्टियों के हालात बने हैं, जिस तरह से राजनीतिक दलों के हालात बने हैं, नेताओं के हालात बने हैं, वही हालात सूचनाओं के न बने, इसके लिए हमें अब अवेयर होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत अच्छी बात है। सर आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया, और इस वर्तमान दौर में हम कितना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हम इसमें और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो चैनल है ये दिनों दिन तरक्की करे, और आपसे और ये तमाम साथियों से भी मेरा एक निवेदन है कि इस मोड़ पर आपके पवित्रता की सच में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यदि हम पॉलिटिकल लीडर्स की यदि बात करें या सोशल लीडर्स की यदि बात करें, तो एक प्लेटफार्म पर आने को तैयार नहीं है।
इसलिए हमारा समाज जो है वर्तमान में असंगठित है और असंगठित समाज कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो लेकिन आपके आपके साथ अभी संभावना है कि हमारे जो सोशल मीडिया में चैनल्स में जो काम कर रहे बहुजन विचारधारा पर, तो मैं तो आपसे ही निवेदन करूंगा कि आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आगे आइए, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में आप इसका एक सम्मेलन लगाइए और देश में तमाम जो काम करने वाले पत्रकार बंधु हैं स्पेशली सोशल मीडिया पर, उनको आप वहां पर बुलाइए, एक मीटिंग आयोजित कीजिए और वहीं से शुरुआत होगी। फिर इसको आप प्रदेश लेवल पर लाइए, फिर जिले लेवल पर लाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठित ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। और जिस प्रकार हमारे जिन्हें बाबा साहब डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं या हमारी जिसे दलित कम्युनिटी कहते हैं, ये इन्होंने आइडियोलॉजी से विचारधारा से भी ऊपर उठकर उद्योग के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि यदि इसकी शुरुआत यदि होती है तो आप मीडिया के माध्यम से भी एक बड़ा कारपोरेट खड़ा कर सकते हैं। ऐसी मैं आपको मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए हमारे दर्शकों को खूब साधुवाद देते हुए सबको आप जय भीम नमो बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। डॉक्टर आनंद थे जो अपनी बात कह रहे थे। और दर्शकों एक बात फिर हम जो अंत में आपसे कहते हैं यार, बहुत सारी जो तमाम प्रोग्राम है हम कोशिश करते हैं कि आप तक उन सही विचारों को, सही चीज़ों को आप तक पहुंचाएं। बहुत सारी बातें इसमें जो हैं वो सरकार की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ भी होती है और ऐसे में जो है वो YouTube जो है हमारे इस प्रकार के प्रोग्राम को रोक देता है, कोशिश करता है कि वो आगे ना बढ़े। और वो यहाँ तक कि जो हमारे वास्तविक दर्शक है, जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, उन तक भी ये नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाता है। तो ऐसे में हमारी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही बात लोगों तक पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।